हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन पद्मश्री लाइफस्टाइल। तो आज की वीडियो में हम ये डीआईवाई करने वाले हैं जो आप देख रहे हैं, और ये डीआईवाई मैंने एक किचन पैन पे और दो स्पैचुलास पे किया है। तो ये मैंने डिकोपाज किया है इस पे, और चलिए फिर आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि मैंने कैसे बनाया। तो इसको बनाना बहुत ही ईजी है, तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस DIY को बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस तरीके का पैन चाहिए, और मेरा ये जो पैन है वो बहुत ही लो क्वालिटी का है और इसे अभी मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। सो मैंने ये पैन लिया है और दो मेरे ये स्पैचुलास हैं, जिसमें एक तो ये मेरा टूट ही गया है और ये स्पैचुलास भी मेरे बहुत पुराने हैं। सो ये अब यूज़लेस हैं और इन पर मैं DIY करके कुछ बना लेते हैं इनका। सो इस DIY को करने के लिए हमें मॉड पॉज ग्लू चाहिए क्योंकि हम डेकोपाज करने वाले हैं, वार्निश चाहिए लास्ट में फिनिशिंग के लिए, एक्रेलिक कलर चाहिए और साथ में एक ब्रश चाहिए, और डेकोपाज नैपकिन तो चाहिए ही। तो सबसे पहले हम बेस तैयार करेंगे पैन पे, तो आप एक्रेलिक वाइट कलर यूज़ कर सकते हैं या जैसो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस पर जैसो लगा रही हूँ और ये मेरा होममेड जैसो है। आपके पास जैसो नहीं है तो आप एक्रेलिक वाइट कलर भी कर सकते हैं। तो पैन पे हमें बेस के लिए पूरे पैन पे इस तरीके से मैं जैसो लगा दूंगी। इसी तरीके से हम दोनों स्पैचुलास पे भी जैसो लगा लेंगे और इन पे एक अच्छा सा बेस बन जाएगा जिससे हम इजीली डेकोपाज करेंगे। और डेकोपाज से पहले हमें किसी भी सरफेस पे बेस तैयार करना, उसका बेस बनाना ज़रूरी है, तो आप जैसो लगाएं एक्रेलिक कलर। सो एक कोट सूख गया है और अब मैं इस पैन पे जैसो का दूसरा कोट कर रही हूँ, और इस तरीके से मैं स्पैचुलास पे भी डबल कोट करके और दोबारा से इन्हें ड्राई कर लूँगी। सो पैन सूख गया है और अब मैंने डेकोपाज नैपकिन लिया है, और जो पोर्शन मुझे इस नैपकिन का चाहिए उसको मैं आउटलाइन कर लूँगी एक वेट ब्रश से, और उसको आउटलाइन करके और फिर जितना पोर्शन मुझे चाहिए वो मैं हाथ से ही उसको नैपकिन से निकाल लूँगी। और ये मैंने एक पिंक कलर के लाइट कलर के फ्लावर लिए हैं जो मैं इस पैन पे लगाने वाली हूँ। तो इस तरीके से गीली ब्रश लेके और आउटलाइन बना लीजिए जितना पोर्शन आपको चाहिए, और फिर उसको आप हाथ से ही इस पेपर से उसको टियर कर लीजिए, उसको फाड़ लीजिए। इस तरीके से मैं इसको निकाल लूँगी। सो इस सब में थोड़ा सा टाइम लगता है, हमें बड़े आराम से इसको टियर करना है पेपर को, क्योंकि डेकोपाज में बस थोड़ा सा यही ध्यान रखना है हमें कि जितना भी काम करना है थोड़ा सा आराम से, स्लोली और पेशेंस से काम करना है, ताकि हमारा जो हम DIY कर रहे हैं वो एक सुंदर सा DIY बने। मैंने दो ये फ्लावर जो हैं पिंक, इनको निकाल लिया है, और इसी तरीके से मैं ये जो चारों फ्लावर हैं चारों कॉर्नर पे इन सबको यूज़ करने वाली हूँ। तो इस तरीके से मैं इन सारे फ्लावर्स को इस पेपर से अलग कर लूँगी और अपने पैन पे पेस्ट करने के लिए। तो इसी तरीके से आप जो पोर्शन आपको अब पेस्ट करना है आप वो अलग कर लीजिए नैपकिन से और उसको यूज़ करिए अपने DIY में। और साथ ही में ये देखिए मैंने A4 साइज़ प्रिंटेड शीट ली है जो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी अमेज़न पे भी, और नैपकिन भी, तो इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और इसमें जो ये किचन लिखा हुआ है मुझे सिर्फ ये चाहिए इन फ्लावर्स के बीच में लगाने के लिए। सो इस तरीके से मैं इन सबको पेस्ट करने वाली हूँ। और जो नैपकिन है इसमें 3 लेयर होती हैं, तो इसकी 2 लेयर आपको हटानी होगी, और जो इसकी लास्ट लेयर है ये प्रिंटेड लेयर बहुत पतली सी लेयर होती है, हमें सिर्फ इसी को चिपकाना है पैन पे। और उसके लिए हमें मॉड पॉज ग्लू चाहिए, तो मॉड पॉज ग्लू से हम इसको चिपकाएंगे। सो एक फ्लैट ब्रश लेके आप पैन पे इस तरीके से ग्लू लगा लीजिए, और अब इस नैपकिन को हम आराम से धीरे धीरे चिपकाएंगे। सो ये देखिएगा, आप इसे बहुत ही आराम से अपनी फिंगर टिप से इसको चिपकाइए, इसमें बबल्स नहीं आने चाहिए, तो हम इसे बहुत ही धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता से चिपका लेंगे। सो
इसी तरीके से मैंने सारे फ्लावर्स को पैन के चारों तरफ पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद ये काफ़ी सुंदर लग रहे थे और पिंक कलर के फ्लावर्स बहुत प्यारे लग रहे थे। सो डेकोपाज करना बहुत ही इजी है, और आपको सिर्फ पेस्ट करते हुए थोड़ा सा आराम से करना होगा कि इसमें बबल्स ना आए। तो हमें सिर्फ नैपकिन पेस्ट करने में ही थोड़ा सा आराम से और ध्यान से उसे अच्छे से करना होगा, बाकी ये बहुत ही इजी है सारा मेथड। और साथ ही में मैंने ये जो किचन को इसके बीच में इसे भी पेस्ट कर दिया है मैंने मॉड पॉज ग्लू से, और उसके बाद मैंने ये जो स्पैचुलास हैं इन पे ग्रीन कलर का एक्रेलिक कलर किया है, क्योंकि मैं इसमें पिंक एंड ग्रीन का कलर कॉम्बिनेशन रखने वाली हूँ अपने इस DIY में, और ये बनने के बाद काफ़ी सुंदर लगा मुझे। और इसमें पैन में भी आप ये जो देख रहे होंगे फ्लावर्स के बीच में, और ये जो जितना भी खाली पोर्शन है इसको मैं ये ग्रीन कलर के कलर से फिल कर दूंगी। और मैंने ये स्पॉन्ज यूज़ किया है, इसको आप इसी से करिए और काफ़ी सुंदर लगता है ये, ब्रश के बजाय आप स्पॉन्ज से मैंने इसको फिल किया है इस पोर्शन को। और पैन के जो कॉर्नर्स हैं इस पे भी मैं ग्रीन कलर से स्पॉन्ज से इसको कर दूंगी, और ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर लगा पिंक एंड ग्रीन कलर का, क्योंकि जो पिंक फ्लावर्स थे उनके साथ में जो ग्रीन लीव्स थी उसको देखकर, और मैंने इस सारे पैन को इस तरीके से ग्रीन कलर से और स्पॉन्ज डैबर से मैंने उसको फिल कर दिया, और बनने के बाद ये काफ़ी सुंदर लगा। और ये सब सूखने के बाद हम मॉड पॉज ग्लू इस पूरे पैन पे लगा लेंगे। और अब इन स्पैचुलास पे भी मैं ये पिंक कलर के फ्लावर लगा दूंगी, बट क्योंकि इसका जो बेस है वो ग्रीन था और मैंने ये ध्यान नहीं दिया, और मैंने यहाँ पे भी ग्रीन बेस कर दिया इसका, इसलिए ये जो पिंक फ्लावर्स हैं ये इतने उभर कर नहीं आए इन स्पैचुलास पे। सो पिंक कलर के फ्लावर अच्छे से उभर के नहीं आए क्योंकि इनका जो बेस है वो ग्रीन था। सो मुझे यहाँ पे स्पैचुलास के थोड़ा वाइट कलर करना था। एंड अब ये जो जूट रोप है इसको मैं पैन के हैंडल पे पेस्ट कर दूंगी, तो ग्लू गन से मैंने इसको पेस्ट कर दिया, और ये जूट रोप काफ़ी सुंदर लगती है इस तरीके से DIY में यूज़ करने पे। सो मैंने इसको हैंडल पे लगाया, और साथ ही में मैंने हैंग करने के लिए भी इसमें इस तरीके से एक नॉट बना दी। एंड अब मैं जो ये स्पैचुलास हैं इन पे वाइट एक्रेलिक कलर से ही हैंडल पे, एक पे मैंने माई किचन और एक पे माई रूल्स लिख दिया। सो किचन में ये काफ़ी सुंदर लगते हैं इस तरह के DIY, और उस पर एक स्माइल भी बना दी रेड कलर से, और साथ ही में इस पे स्पैचुलास पे भी मैंने इस तरीके से जूट ड्रॉप लगा दी जैसे पैन पे लगाई थी, तो काफ़ी सुंदर लग रहे थे ये, और भी इनकी जो ब्यूटी है इन्हेंस हो गई थी जूट ड्रॉप यूज़ करने से। एंड सबसे लास्ट में हम इस पे वार्निश स्प्रे कर देंगे ताकि जो हम इसको सिंपल वाटर से कभी कभी वॉश कर सके या वेट कपड़े से हम इसे पोंछ सके अच्छे से। तो उससे पहले मैंने इस पूरे पे डेकोपाज ग्लू भी लगाया था पूरे पैन पे और स्पैचुलास पे, बट वो रिकॉर्डिंग मुझसे डिलीट हो गई। सो इस तरीके से पहले मैंने स्पैचुलास को साइड्स में लगा के देखा था, बट वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगे, तो मैंने स्पैचुलास को इस तरीके से लगाया, दोनों स्पैचुलास के कॉर्नर को टच किया, और ये देखिएगा DIY तैयार हो गया है। सो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि स्पैचुलास को किस तरीके से मैंने लगाया तो ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, पहले लगाया था साइड्स में उस तरीके से या अब जो मैंने लगाया है इस तरीके से, और आपको ये DIY कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये DIY कैसा लगा, और आज की वीडियो आपको कैसे लगी। सो मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कीजिएगा, और पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, Be happy.